नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चने की दाल के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। एक को पानी से इसको धो करके और एक घंटे तक भिगोया था और इसको छान करके रख लिया है। ये घी, शुगर, पिस्ता, काजू, बादाम और ये किशमिश और आधा किलो दूध लिया है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हम एक किचन टावल ले लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से फैला देंगे और जो ये दाल को हमने भिगो करके रखा था छान करके इसको इसमें डाल देंगे। वैसे तो ये सूखी हुई है क्योंकि हमने इसको छान दिया था आधा घंटा पहले। अब इसको इस तरीके से फैला करके और इसे इस तरीके से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि इसका पूरा मॉइस्चर जो है अच्छे से निकल जाए। ये देखिए अब इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको रख लेंगे कटोरी में। ये हमने इसको कपड़े से निकाल करके कटोरी में रख लिया। ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस में पैन रख दिए हैं और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे घी। घी को थोड़ी देर मेल्ट हो जाने देंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसमें डाल देंगे दाल। ये चने की दाल को हम इसी में डाल देंगे पूरा और इसे इस तरीके से चला चला के अच्छे से भून लेंगे और गैस को मंदी कर देंगे। मंदी गैस पे ही भूनना है, इसको तेज पे नहीं भूनना है। इस दाल को इस तरीके से हमें चलाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको भूना है। ये देखिए तेल, ये घी इतना बाहर निकला है। जैसे जैसे दाल भूनती जाती है वैसे वैसे घी बाहर आता जाता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये दाल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए जो हमने दाल ठंडी होने के लिए रखा था उसको इस तरीके से हमने अच्छे से इसको पीस लिया है। ये हल्का दरदरा सा है, इतना ही रहेगा, दरदरा रहेगा हल्का सा, तभी इसका अच्छा दानेदार हलवा बन करके तैयार होगा। मिक्सी को हमने दो तीन बार थोड़ा रोक रोक करके चला चला करके इसको अच्छे से पीसा है। अब चलिए हम चलते हैं इसको भूनने की प्रोसेस में। अब हमने गैस को जला दिया है और पैन रख दिया है और इसमें डाल देंगे घी। थोड़ा सा घी डालेंगे, अभी पूरा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा घी को गर्म हो जाने देंगे। देखिए घी मेल्ट हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है घी को। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीस करके दाल रखी थी उसको डाल देंगे पूरा और इसे इस तरीके से चला लेंगे। गैस को मंदी कर देंगे। हलवा आप चाहे मूंग की दाल का बनाएं या चने की दाल का बनाएं तो गैस को मंदी करके ही बनाइएगा, तभी हलवा का टेस्ट अच्छा आता है, अच्छा हलवा बनता है। ये हमारा मटेरियल अच्छे से भून चुका है। ये देखिए घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। हमने जितना घी डाला था उसी में ये अच्छे से भून गया है। अब हम यहीं पे डाल देंगे दूध। दूध डाल देंगे यहीं से, हमने आधा किलो दूध लिया है। पूरा दूध डाल देंगे इसमें और इसे हम इस तरीके से अच्छे से चला चला करके इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप चाहे इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं डाली हूँ, कुछ नहीं डालूंगी, ऐसे ही रखूंगी इसको। और चाहे तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। मैं मलाई इसलिए नहीं डाली हूँ कि मान लो किसी के पास नहीं है मलाई तो फिर दिक्कत हो जाती है कि डालें मलाई, मलाई के बगैर अच्छा हलवा बनेगा कि नहीं बन पाएगा, इसलिए या मावा डाल सकते हैं। अब हम यहीं पर डाल देंगे अपने हमने ड्राई फ्रूट्स। तो पहले काजू डाल देते हैं, बादाम भी डाल दूंगी और ये किशमिश। इसको इस तरीके से चला लेंगे डाल करके अच्छे से। अब डाल देंगे शुगर। अब शुगर डालने के बाद ये पानी छोड़ेगा। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। गैस को बिल्कुल मंदी रखी हूँ और इसे इस तरीके से चला लेंगे क्योंकि थोड़ा सा देखिए गीला हो गया है शुगर डालने के बाद। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और दानेदार हलवा बन करके तैयार है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये चने की दाल का हलवा बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।